प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिक समस्या एवं महात्मा गांधी। जैसा कि हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी एक युग पुरुष के रूप में सारी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। उनकी जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उसमें कई ऐसे विषय हैं जिनसे दुनिया प्रभावित है। वो समय जब महात्मा गांधी भारतीय समाज में, राजनीति में सक्रिय थे, वो एक बहुत ही दुरूह समय था, जब ब्रिटिश अंग्रेज सरकार तरह तरह का जुल्म भारतीयों के ऊपर कर रही थी। ऐसे में फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम किया गया और एक नया जो विवाद जुड़ा हिंदू मुस्लिम दंगों का, और उसके बाद से ही मजहब संप्रदाय पर चर्चा होने लगी है। तो आज हम समझेंगे कि संप्रदाय, सांप्रदायिक समस्या क्या है और महात्मा गांधी की उसके संबंध में क्या सोच थी, क्या विचार थे। तो ये एक मेरा शोध विषय है, सांप्रदायिक समस्या एवं महात्मा गांधी। संप्रदाय का अर्थ सबसे पहले देखेंगे, संप्रदाय का अर्थ क्या है। विद्यार्थियों, एक विशेष वर्ग या पंथ जो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए अतिवादी साधनों का प्रयोग करता है, जिसका उद्देश्य संकीर्ण हो, प्राप्त करने के साधन संकीर्ण हो, जो दूसरे संप्रदाय की बुराई करता हो, एक ऐसा वर्ग जो धार्मिक या जातीय आधार पर संगठित होकर अपने समान अधिकारों या समान उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता हो, संप्रदाय कहलाता है। सांप्रदायिक समस्या, जब दो संप्रदाय अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अतिवादी साधनों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए कार्य करते हैं, तो सांप्रदायिक समस्या का जन्म होता है। भारत में मूल रूप से हिंदू मुस्लिम झगड़ों को ही सांप्रदायिक तनाव के रूप में देखा जाता रहा है, अन्यथा यहां होने वाले सभी जातीय दंगे, फसाद सांप्रदायिक तनाव की श्रेणी में ही आते हैं। तनाव का असली कारण वर्ग विशेष के स्वरूप, उसके अस्तित्व और प्रयोजन तथा उसके सांस्कृतिक मूल्यों और हितों को अन्य वर्गों के स्वरूप पे मूल्यों से सर्वथा अलग रखकर देखा जाना है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता विशिष्ट प्रकार की चिंतन शैली है, जो विभिन्न धर्मों के अनुयायियों की पहचान एक दूसरे से पृथक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक इकाइयों के रूप में स्थापित करती है। भारत में सांप्रदायिक समस्या का इतिहास, ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि अरबों, तुर्कों के आक्रमण व भारत में साम्राज्य स्थापना के बाद यहां अंग्रेजों के आगमन तक शासक मुस्लिम रहे और शासित हिंदू धर्मावलंबी, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं के बराबर हुए। बताना यह भी उचित रहेगा कि धार्मिक भावनाओं के ऊपर से ऊपर उठकर कई शासकों, सामंतों ने इस काल में कार्य किए, जिनमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के
खिलाफ हमीर द्वारा मोहम्मद सा मंगोल व कहबरू को शरण देना व उनके लिए अपनी मातृभूमि का उत्सर्ग तक करना, साथ ही मंगोल शरणार्थियों द्वारा भी अंतिम सांस तक हमीर के वंश की रक्षा के वचन को निभाना अपने आप में अद्वितीय उदाहरण है। राणा सांगा की सेना के एक बहुत बड़े भाग की कमान हसन खां मेवाती ने संभाल रखी थी। इस सूरवीर ने खानवा में एक बार तो बाबर को हार के मुंह में ढकेल दिया था। आज भी मेवात के घर घर में हसन खां मेवाती की देशभक्ति और स्वामी भक्ति के गुणगान होते हैं। महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य हुए हल्दीघाटी युद्ध को भारत में हुए भीषणतम युद्धों में से एक एवं भारतीय स्वतंत्रता का अद्वितीय उदाहरण भी माना जाता है, जिसमें मुगल राजपूत संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस युद्ध में मुगल सेनापति मानसिंह के सामने सीना ताने खड़ा था महान देश प्रेमी व स्वामी भक्त हकीम का सूर, जिसकी मजार आज भी रक्त तलाई हल्दी घाटी में उसके शौर्य की गाथा कह रही है। आजादी के बाद पूर्व महाराणा मेवाड़ द्वारा हकीम का सूर के नाम से राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। सदियों से साथ रह रहे दो महान धर्मों के लोगों के मध्य वैमनस्य फैलाने का कार्य असल में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया। अंग्रेजों ने एक ऐसे त्रिभुज की नींव रखी जिसकी एक भुजा हिंदू अलगाववादी थे तो दूसरी भुजा मुस्लिम कट्टरपंथी। इस त्रिभुज की आधार भुजा स्वयं अंग्रेज रहे, जिन्होंने इस जहरीले सांप्रदायिक त्रिभुज को हमेशा बनाए रखा। अंग्रेज इतिहासकारों कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रोक, वी ए स्मिथ ने स्वार्थवश भारत का इतिहास लिखा और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। इन इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत के शासन की हमेशा आलोचना की और ये प्रमाणित करने की कोशिश की कि मुस्लिम शासकों ने भारतीयों पर ज्यादातियां की। अंग्रेज इतिहासकारों का प्रयास यह होता था कि वे हमेशा ब्रिटिश शासन को न्यायोचित ठहराते और मुस्लिम शासकों को अत्याचारी। मुगल काल के मुगल राजपूत सामंजस्यों को झुटलाते हुए अंग्रेज इतिहासकारों ने मुगलों को राजपूत विरोधी साबित करने का भरसक प्रयास कर हिंदू मुस्लिम वैमनस्य की खाई को और चौड़ा कर दिया। 1857 की क्रांति, जिसमें की पहली बार अंग्रेजों को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर फिरंगी राज का कड़ा विरोध किया, जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, जिन्होंने गोरी सरकार को हटाने की कसम खाई थी। क्रांति के बाद एक सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों पर अत्याचार किए गए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना व सर सैयद अहमद के भारत की राजनीति में आने से परिवर्तित परिस्थितियों में अंग्रेजों ने मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि राधाकांत देव द्वारा परिवर्तित धर्म सभा, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का परिवर्तन व शुद्धिकरण तथा वेदों की ओर लौटो का नारा, तिलक द्वारा गणेश चतुर्थी, शिवाजी महोत्सव का आयोजन, हिंदू महासभा की कार्यवाहियां प्रारंभ हुई। इन घटनाओं से उत्साहित अंग्रेजों ने 1905 में धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर धार्मिक भेदभाव को और बढ़ा दिया। 1906 में मोहसिन उल मुल्क व आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर अंग्रेजों का कार्य और आसान कर दिया। प्रिंसिपल बेक व आर्च बोल्ड ने अपनी सांप्रदायिक बहकावे की नीति को जारी रखते हुए मुस्लिम लीग के एक शिष्टमंडल को 1909 में लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला भेजा, जिससे 1909 के एक्ट में मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर सुविधाएं घोषित की गई। इस प्रकार 1909 तक आते आते अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिक वातावरण को इतना विषैला बना दिया था कि स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती थी। इसी समय महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है और आगे क्या कुछ होता है आगे देखेंगे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और इसी दौरान 1915 में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से आकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश होता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद खिलाफत के प्रश्न पर गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रयास किया, जिसमें आंशिक सफलता भी प्राप्त हुई। इस कार्य में मौलाना मोहम्मद अली जोहर से उन्हें भरपूर सहयोग मिला। गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि सभी धर्म सत्य है,
एक हिंदू को अच्छा हिंदू और एक मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनना चाहिए। जहां मुझे अपने धर्म से प्रेम है, वहीं मुझे अन्य धर्मों के प्रति भी आदर का भाव रखना चाहिए। गांधी जी जोर देकर कहते हैं कि इस्लाम का अर्थ ही शांति है और इसी प्रकार हिंदू धर्म की उत्कृष्टता उसकी सहिष्णुता में ही निहित है, क्योंकि ये सभी धर्मों की सार्वभौमिकता का प्रतिपादन करता है। तो इस प्रकार गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश और यहां फैलाई जा रही विष बेल का मुकाबला सामना गांधी जी को करना पड़ा। एक अवसर पर गांधी जी ने कहा कि सभी धर्म सच है, किंतु उन धर्मों के अनुयायियों में मनुष्य होने के नाते कमियां होती है और इसी कारण इनमें भी कुछ दोष समाविष्ट हो जाते हैं। 1914 में हुए दंगों से व्यथित गांधी जी ने जेल से छूटते ही 21 दिन का उपवास रखा और कहा कि मेरा उद्देश्य दोनों वर्गों में सांप्रदायिकता पर आधारित संधि मात्र नहीं है, अपितु उनके दिलों को मिलाना है। उपवास के 21वें दिन उन्होंने कहा कि यदि नेता लोग नहीं चाहे तो जन सामान्य आपस में नहीं लड़ना चाहता, गांव में हिंदू मुस्लिम मेल मिलाप से रहते हैं। 1932 के मैकडोनाल्ड पंचायत, जिसमें कि जातीय आरक्षण की बात कही गई थी, गांधी जी ने जबरदस्त विरोध किया, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जिद के आगे गांधी जी की एक न चली। अंग्रेज भारतीय समाज में व्यापक जहर फैलाने में एक बार फिर सफल रहे। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच कर उलझाया है। 1946 के सांप्रदायिक दंगों के इतिहास के सर्वाधिक व्यापक भयंकर थे। 1946 के सांप्रदायिक दंगे भारत के इतिहास के सर्वाधिक व्यापक व भयंकर दंगे थे। मोहम्मद अली जिना के द्विराष्ट्र सिद्धांत पर कार्य करते हुए मुस्लिम लीग ने व्यापक हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। फलस्वरूप कलकत्ता, नोहाखाली, त्रिपुरा, छबड़ा, अमेठी, कोहाट आदि जोरदार दंगों की आग में झुलस रहे थे। अर्धनग्न शरीर, हाथ में लाठी और ये क्रसकाय शरीर का धनी गांधी दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। छपरा, नोआखाली व त्रिपुरा में शांति कायम होने लगी और लॉर्ड माउंटबेटन को कहना पड़ा कि बंगाल में हमारी सारी सेना एक व्यक्ति से निर्मित है और वहां कोई दंगा नहीं है, और वो व्यक्ति था महात्मा गांधी। देश का विभाजन, नेहरू, सरदार पटेल व मेनन ने माउंटबेटन की विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया। गांधी जी अकेले पड़ गए। गांधी जी के जीवनी लेखक प्यारेलाल लिखते हैं कि गांधी जी ने कहा कि भारत के शरीर को काटने से पूर्व मेरे शरीर को काट दो। चार जून 1947 को गांधी जी हरिजन बस्ती में थे, वहीं कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई। केवल खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन के विरोध में रोते हुए कहा कि हम तबाह हो गए हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि गांधी जी को सरदार पटेल ने समझाया, पर गांधी जी ने सीमांत गांधी से कहा कि वे पाकिस्तान में रहेंगे, पासपोर्ट नहीं बनाएंगे, यदि देश विभाजित होता है तो मेरा स्थान पाकिस्तान होगा। आखिरकार अंग्रेजों की फूट डालने की नीति कामयाब रही। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। पंडित नेहरू लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहरा रहे थे और गांधी जी नोहाखाली के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में शांति बहाल करने में लगे हुए थे। जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द 1915 से देश की राजनीति घूम रही थी, वो व्यक्तिगत लालसा व प्रतिष्ठा से दूर दलितोत्थान सांप्रदायिक सौहार्द के निर्माण में लगा रहा और महत्वाकांक्षा रही थी एक सिर फिरे हिंदू कट्टरपंथी के पागलपन का शिकार होकर सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। वास्तव में मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता है, महात्मा है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण की बलिवेदी पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, अस्सी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। तो ये आज हमने देखा कि गांधी जी, जिनके बारे में सिर्फ लोग बहुत सारी भ्रांतियां फैलाते हैं,
वो किस कदर उनका देश और देश में रहने वाली जनता के प्रति लगाव था। धन्यवाद। जय हिंद।